व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे हिस्टोरिकल डिफीट, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इंडिया हार गई है सीरीज, एबी क्रिकेट इन्फो भाई आ चुके हैं वीडियो लेके, देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, 1 2 3 गो। नमस्ते। परफॉर्मेंस ऐसी दो कि भैंस की आंख वर्ल्ड कप का पूरा भूत ही निकल जाए। अब लंका की लंका लगाने हम गए थे, एक तो हम उनके घर में भी गए और भैंस की आंख उनसे अपनी लंका भी लगवाया है भाई साहब। उल्टा पुल्टा हो गया सारा। मैं तो गया, गए मास्टर गए। अबे यार मुकाबला तो कर लेते भाई, हार जीत तो चलो फिर भी लगी रहती है, मतलब कम्प्लीटली ये वाला कोच था भाई यार। हम पे ना हो पाएगा आज, दिल तोड़ने वाली हार है, दिल टूटा भाई को जो फैलाया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाइयों। तुम लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी आओ, असली गुनहगार को हम अभी ढूंढेंगे इसी लाइव में आज, जल्दी जल्दी आ जाओ। ये भी ठीक है, मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना। क्या बात है, सोचा साया साथ देगा। अबे निकला वो बेगाना, 27 साल से एक बहम बना हुआ था पाईजान, श्रीलंका से नहीं हारते हैं, ये वाला बहम भी भैंस की आंख आज जो है भाई वो हमारा दूर हो गया, टूटा। देखो यार भाई बात सुनो, मैच हारने तक तो ठीक था यार भाई, सीरीज हार गए हैं, ये कुछ ज्यादा हो गया है। नहीं ये देखो ज्यादा हो गया, और मैच हारना भी चलो ठीक है, 110 रनों से हम मैच हारेंगे, बहुत बड़ा मार्जिन है। 240-250 के टारगेट के आसपास जो होता है उसमें से भी 110 रनों से मैच हार रहे हैं, मतलब या तो ये हुआ होता ना यार मैच ऐसा हो गया कि बिल्कुल मतलब हो नहीं बाइटिंग, काट टक्कर कुछ भी बाइटिंग ना हुआ, ये तो वन साइडेड हो गया। ये श्रीलंका का दौरा दिखता बहुत सिंपल है लेकिन ये होता बड़ा खतरनाक है। लास्ट टाइम शिखर धवन की कप्तानी में, वहां शिखर धवन की भाई करियर जो है वो खत्म हो गई थी एक तरीके से, और वहां पे भी दीपक चाहर ने बचाया था एक मैच में, मतलब मैच में क्या तब नहीं तो हम वहां पे भी पिल रहे थे। और यहाँ तो यार रोहित शर्मा के अलावा ऐसी कसम खाई थी, जिसने भी खिलाई है कब खाई है, कौन से ऐसे चौराहे पे जाके इन लोगों ने कसम खाई है कि उसको तोड़ना नहीं था। रोहित शर्मा को छोड़ के बाकी मजाल है किसी ने उस कसम को तोड़ने की कोशिश की हो? ना ना बिल्कुल। रोहित शर्मा ने कहा है सीरीज हारे हैं, जिंदगी ये कोई दुनिया खत्म नहीं हो गई, ये मेरे कानों में बात पड़ी है रोहित शर्मा के इंटरव्यू से, आगे चल के पूरा डिटेल में बताऊंगा। एक तो आज दोपहर से ही इतनी बड़ी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला हुआ था इन्फॉर्मेशन कि भाई गलती नहीं है, अनर्थ हुआ है विनेश के साथ, तो उसकी भी डिटेल के साथ बात करेंगे आगे चल के, लेकिन पहले ये तो हां सॉरी विनेश के साथ वो तो भाई वो ठीक कर लेते हैं। और मतलब बात भैंस की, मुझे लगता है मेडल तो देना चाहिए, सिल्वर मेडल तो। हम भाइयों सीरीज खत्म होने के बाद जो नए लोग हैं उनको बता दूं, सीरीज खत्म होने के बाद हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, रिपोर्ट कार्ड क्या रिपोर्ट कार्ड बनाऊं इसका, रोहित शर्मा को छोड़ के बाकी सब फेल हैं, हम फेल पास पूछते होते हैं तो इसमें तो सारे ही फेल अक्सर को छोड़ दो, थोड़ा सा खेल के अच्छी विकेटों पे खेल के ट्रू विकेटों पे खेल के स्पिन तो हमसे नहीं खेली जाती। और अब ये कहना, देखो पहला ही सवाल हुआ है रोहित शर्मा से कि भाई स्पिन नहीं खेल पाए हो तुम, क्या ये कंसर्निंग है, क्या इसको मतलब थोड़ा कंसर्न होगा, ये वरी है? घुमा फिरा के जवाब दिया लेकिन आखिरी में बात तो वही आ गई थी कि हाँ भाई कंसर्न तो है, कंसर्न नहीं है, बहुत बड़ा कंसर्न है, नहीं खेली जाती। तो भाई बात अब ये है कि टॉस हम नहीं जीते हैं, तीनों टॉस हारे हैं हम ओडीआई में, और T20 में भी हारे ही थे वैसे तो अगर देखा जाए तो, लेकिन देखो इस पूरी सीरीज में 6 मैच हुए हैं, 3 T20 3 वनडे, उसमें से अगर देखोगे पहला T20 हम जीते, अच्छे से जीते, दूसरा T20 भी हम जीत गए हालांकि वो 15 ओवरों तक मैच में थे, तीसरा तो हम हार ही रहे थे बहुत बुरी तरीके से, बट वो आखिरी में रिंकू ने और स्काई ने आके वो जो दो दो विकेटें ली सुपर ओवर में चला गया, सुपर ओवर में वो कुछ कर नहीं पाए और हम जीत गए, चलो ठीक हो गया, तीनों के तीनों मैच जीत गए। फिर आता है ओडीआई, एक्चुअली हुआ क्या है, इनको जो कॉन्फिडेंस मिला ना श्रीलंका वालों को वो उस तीसरे T20 से ही मिला है भाई, क्योंकि कई बार क्या होता ना आदमी हार जाता है लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर लेके जाता है कि यार भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लेकिन हमने उनको नीचे लगा दिया था, वही वाला कॉन्फिडेंस लेके आए ये लोग पहले वनडे में। हमें आइडिया तक नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है इस ओडीआई सीरीज में, भैंस की आंख सपने पाल के बैठे थे, अब की बार 264 पार, 264, अबे 264 ना वो पार कर पाए ना हम पार कर पाए, सारे मिल गए 14,000 रन बनेंगे रोहित विराट कोहली के, वो नहीं हो पाए, कुछ भी नहीं हो पाया। श्रेयस अय्यर आया ही क्या करने थे अभी तक ये नहीं पता लग रहा है, शुभमन गिल जितना जोर लगाना था भाई जिम्बाब्वे वाली सीरीज में लगाया आया, यहाँ पे कुछ नहीं आ पाया, ऋषभ पंत कह रहा है ले लिया मजा, ले लिया स्वाद, मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ, और एक मैच में क्या जजमेंट दे दोगे भाई, इनके ऊपर मैं डिटेल में भी आऊंगा। रोज रोज मेरे ऊपर मत आया करो, हमारा यार मतलब कोई काम धाम है कि कोई नहीं है, तो बचा लो, बॉलिंग भी मैं कर लूं, फील्डिंग भी मैं कर लूं, बैटिंग भी मैं कर लूं, एक्सेल कर लूं, नहीं करोगे
रियान प्रा कह रहा यार भाई देखो बात सुनो, सब लोग आड़ा टेढ़ा मार के आउट हो रहे हैं, मैं मारूंगा ही नहीं, सीधी बॉल स्टंप पे खा जाऊंगा। उसने ऐसा कर दिया था, बॉल पड़ के बाहर निकलेगी, नहीं गई। अब मैं क्या करूं, और आज अंदर आई हल्की सी, समझ नहीं आ रही भाई। चलो एक एक पे बात ही कर लेते हैं एक बारी। आगे सारे भाई बंधु आगे, जरा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो, ढीली बिल्कुल देनी है। और इस हार का जिम्मेदार कौन है वो मैं बताएगा तुम लोगों को, लेकिन मुझे पहले दो तीन लोगों के लिए जस्टिस मांगना है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मांग लूं। हाँ, सबसे पहले तो अभी कुलदीप यादव जब आउट हुआ ना बिल्कुल आखिरी में, आउट दे दिया गया, रिव्यू थे नहीं हमारे पास, रिव्यू भी खत्म हो गए थे, सारा कुछ ही तो खत्म कर बैठे तो भाई कुलदीप को आउट दे दिया आखिरी में, मोहम्मद सिराज बहस ही करने पर लग गया था। कुलदीप कह रहे यार क्या हुआ, मैं तो अभी आया था यार भाई, कॉलर खड़े करके कैप पहनने में कितना टाइम लगता है बाहर आने में, बैटिंग तो दे देता थोड़ी सी, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। ओ भैया, मैंने जो पिछले दो वनडे में बैटिंग करी है उसको लेके कहीं ना, और मुझे एक बात और नहीं समझ में आई, जब हमारे आठ आउट हो गए थे उस टाइम पे रोहित शर्मा क्या मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा था, हाँ, जब वाशिंगटन में हार्दिक को मैसेज दिया कि क्या कुछ कह गया, हाँ, देखा था मैंने, हार्दिक कह रहा यार भाई आज नहीं भाई, आज मैं फंसूंगा आखिरी में जाके, और देख लो हुआ वही, पता नहीं हार्दिक को क्या बोला रोहित ने, फिर हार्दिक अंदर रोहित को क्या बोल, अंदर वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप को क्या बोल क्या है मालूम नहीं, लेकिन जो भी बोल क्या वहां पे पी लिया वाशिंगटन सुंदर, आउट हो गया उसके बाद। कहीं ना कहीं हर्षदीप अभी भी सोच रहा होगा भाई यार आज तो मेरी गलती नहीं है, आज तो मत कहिए, डाल दी सबने, हालांकि हमने भी ये कहा था कि यार चलो सिंगल तो लेना ही चाहिए था, लेकिन वहां तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी। दूसरे मैच में सबने मिल मिला के राहुल की गलती निकाल दी, राहुल को बाहर कर दिया। अब तीसरे मैच में ये नहीं समझ में आ रहा गलती किसकी है। हाँ नहीं, मतलब साफ सुथरी बात यह है ना, श्रीलंका की तारीफ करो, निकलो, उनको बोल दो वेल डिजर्व है ना, ये वो बोल के निकल लो, अपना मत देखना कि हमने कहां कहां पे गलती करी है। तो भाइयों अब जरा आ जाओ तुम, देखो टॉस हम जीते नहीं है, श्रीलंका ने हमें को टारगेट दिया 249 रन का, लेकिन मैं यहां तुम भाइयों को बता दूं, एक टाइम पे श्रीलंका की टीम इतनी अच्छी पोजीशन में थी कि लग रहा था आज तो 280-90 का टारगेट 100% कंफर्म है कि इतना टारगेट तो हो ही हो जाएगा। 171 रनों पे एक ही विकेट डाउन थी श्रीलंका की, और 35 ओवर हो चुके थे, तो अभी भी वहां 15 ओवर पड़े थे, उसके बाद करते करते वो 200 तक 6 आउट हो गए, तो हमने इनको ठीक ठाक रोक लिया था। लेकिन दिक्कत पता क्या है, बात पता क्या है, एक तो एक कॉमन चीज पता क्या रही है भाई, एग्री डिसएग्री करना, एक तो स्टार्टिंग की पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप चाहे वो पहली विकेट की हो चाहे वो दूसरी विकेट की हो, एक 35-40-50 रनों के आसपास की पार्टनरशिप आखिरी में, ये दो पार्टनरशिप ऐसी हुई हैं बार बार कि जिनसे टोटल तो 230-40-50 ही बना, लेकिन वो जो श्रीलंका 180-90 पे ऑल आउट हो सकती थी ना वो नहीं हो पाया इन तीनों मैचों में, ये कॉमन बात रही है। और अच्छी बात क्या रही है लंका की, वो गए ही नहीं 300 बनाने, हम बताएंगे उसको पे लियो तू, फिर हम बड़े बड़े थंबनेल लगा के हा हा करके आएंगे। देखो इंडिया बहुत बड़ी टीम है, ओके वाले लेगा मेरे भाई, छोटू सुन बात, इतना जज्बाती नहीं हुआ करते आज तो, चलो द ग्रेट मिस्टर रियान वॉन ने आउट कर दिया था वाले लेगा को, मतलब एकदम क्लीन बोल्ड कर दिया दो रनों पे, और वो सारा का सारा गुस्सा वो अपनी बॉलिंग में निकाल के गया भाई, सारा का सारा 5 विकेट ले गया यार भाई आज भी 5 विकेट। और देखो दिन ये आ गए हैं, हालात ये आ गए हैं कि विराट कोहली को भाई बहुत दुख हुआ भाई आज, विराट कोहली को यार कोई भी लल्ली छल्ली पिल्ली कोई भी आंखें निकाल के जा रहा है, अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता आंखें दिखाता है मदरबोर्ड, अबे आंखें नहीं दिखाता सीरीज लेके निकाल के, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो हरा रहे हैं बिना सीरीज जीते। इस सीरीज में एक ही अचीवमेंट है कि मोहम्मद सिराज लड़ाई झगड़ा करके गया है 2-3 बार बस, और कोई अचीवमेंट नहीं। और रोहित ने एक बात और बोली कि आगे चल के कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको ट्राई करेंगे, ये कहां करोगे भाई, कहां करोगे, फरवरी में है 3 वनडे और वहां तक तो टीम अनाउंस हो चुकी होगी चैंपियन ट्रॉफी की, नहीं चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया तो मिलेगा ना, इंग्लैंड तो मिलेगा, और हम तो ओडीआई की बहुत बड़ी टीम है, और चैंपियन ट्रॉफी होनी भाई इन्हीं कंडीशंस में है, हाँ, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे मिलेंगे, और हमने फिर घुटने टेक देने हैं स्पिन फ्रेंडली विकेट्स। मैं आज एक महान शख्सियत को याद करना चाहता हूँ भाई लोगों, कौन है, जय हो मेरे गोल टोपी वाले देश के महान बैटिंग कोच को, मुझे मैंने बहुत मिस किया उनको, देखिए उन्होंने अपनी सेवाएं रवि शास्त्री होनियों के साथ भी निभाई, फिर उसके बाद रवि शास्त्री फिर राहुल द्रविड़ आए तो फिर उन्होंने अपनी सेवाएं राहुल द्रविड़ होने के साथ भी निभाई, एक ही कॉमन फैक्टर रहा था, और मैं आज विक्रम राठौर जी को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूं। देखिए मैं यहाँ एक बात बोल दूं गौतम गंभीर के बारे में, वो आदमी की कोई गलती नहीं है, ना तो उसको राठौर साहब दिया गया और ना ही उस इंसान को केएस भरत की सेवाएं उपलब्ध कराई गई,
और अगर ये दो महान शख्सियत अगर आप नहीं दोगे तो कहां से सीरीज जीतोगे? पिल जाओगे ना, शक्तियां रुक गई हैं। ये तो बड़ा ही अलार्मिंग साइन है कि भाई सुधर जाओ। ये तो वो आया है, वो जो गाड़ी का तेल खत्म नहीं होता वो पीला सा हो जाता है। हाँ, अगर वो पीला सा देख के आगे चलोगे, खड़े हो जाओगे, बोतल लेके घूमोगे कि भाई तेल ला दे थोड़ा सा, भाई तो भाई डलवा लो पहले ही। और एक बात और है, एग्री और डिसएग्री करते रहो भाई, पहले सारे आ रहा हूं, एक-एक पे आ रहा हूं, तसल्ली करूंगा सबकी। रुको जरा, सब्र करो, पूरी तसल्ली करेंगे एक-एक की। जसप्रीत बुमराह के बगैर, मुझे इस पे रिस्पॉन्स चाहिए सभी का, जसप्रीत बुमराह के बगैर हमारी बॉलिंग एकदम भाई बस ऐसी है कि जैसे कोई आदमी नंगा खड़ा हो। मतलब बिल्कुल नंगापन है भाई हमारी बॉलिंग का, कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भी आके पार्टनरशिप लगा रहा है, कोई ऊपर से लगा रहा है, कोई नीचे, लगा रहा है। दबाओ वो नहीं बन एक बात नहीं समझ में आती। जसप्रीत बुमराह क्योंकि उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, स्पिन ट्रैक है, फास्ट ट्रैक है, क्या है, कुछ नहीं, उसके हाथ में बॉल चाहिए, सामने बैट्समैन चाहिए, और वो करता ना कुछ, अपना काम करके निकल जाता, या फिर इतना प्रेशर मेंटेन करता, इतना प्रेशर बना देता, इतना प्रेशर दूसरे को विकेट मिल जाता कि दूसरी तरफ से विकेट निकल जाती है। जसप्रीत बुमराह के बगैर कुछ नहीं है भाई हमारे पल्ले पल्ले, ये बात बोलनी पड़ेगी। कुछ हद तक मोहम्मद शमी, सिराज तो मतलब कुछ भी नहीं कर पाया भाई इस पूरी सीरीज में, बैटिंग से ज्यादा इंप्रेसिव पारियां खेली हैं उसने, 8-10 बोले जो खेली। सबसे पहले आते हैं भाई, देखो 96 किया उसने अविष्का फर्नांडो ने, बताओ यार ये बंदा मेरे को 20-30 करने लायक नहीं लग रहा था स्टार्टिंग में, 96 करके गया। और रियान पराग ने इसकी वो सेंचुरी नहीं होने दी, और उसके बाद 45 रन किए ओपनरों ने। मतलब हम तो तकरीबन इन दोनों से ही हार गए हैं, इन दोनों के जितने ही रन बनाए हैं हमने इतने लगा लो, श्रीलंका वालों ने। भाई सही सी बात है, अपने हाथ से मैच गया है, ये मैच, ये सीरीज गई है अपने हाथ से, क्योंकि हमने करी नहीं बैटिंग यार। क्यों झूठ बोलना, जो करी रोहित शर्मा कर गया, और एक दो मैच में कहूंगा अक्षर ने कर ली। बाकी तो हमारे हाथ से मैच गया है, यहाँ पर ना कोहली चल पाया, ना शुभमन चल पाया, ना यहाँ पर केएल राहुल, ना ऋषभ पंत, ना श्रेयस अय्यर। तो ऐसा होता है ना, एक बैट्समैन तो चल जाए, दो तो चल जाए, रोहित के अलावा कोई चला ही नहीं, और फिर आप उम्मीद ही नहीं कर सकते ना इतने बड़े टारगेट फिर बड़ा ही हो गया जब कोई चल ही नहीं रहा। तो यार 150 नहीं बन पा रही टीम से, यहाँ पर एक मैच टाई हो रहा है। हमने वो कर दिया कि श्रीलंका T20 सीरीज में 15 के बाद लड़खड़ा रही थी, हमने कहा हम रोहित शर्मा के बाद ही लड़खड़ा जाएंगे। लो रोहित शर्मा की बैटिंग होती लड़खड़ा जाते हैं, और जब रोहित बैटिंग करता है तो लगता है विकेट बहुत आसान है, जब रोहित बैटिंग करता है लगता है कि आराम से जीत जाएंगे, बाकी जब आते हैं तो ऐसा लगता है ओहो ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। नहीं, नो डाउट स्पिन फ्रेंडली विकेट्स थी, डिफिकल्ट था, और उसके बाद भी लेकिन यार हम इतने बड़ी टीम है, हम खेले हैं इंडिया भाई, स्पिन को तो अच्छे से खेलती है इंडियन टीम, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एकदम से बिल्कुल ही स्पिन नहीं खेल पाए हम। हो जाती है वो चीजें, नो डाउट रोहित शर्मा ने भी कहा कि चीजों से हम सीखते ही हैं, और इससे ऐसा नहीं हुआ कि ओ भाई अब से हम पे बैन लग गया, अब हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, या इंडियन टीम को अब आप क्रिकेट खेलते हुए नहीं देख पाओगे 2-4 साल, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है, वो चीजें होती है, आप खुद भी हर एक प्लेयर के माइंड में होता है ना भाई ये चीजें थी, ये चीज मुझे दिक्कत करती है, प्रैक्टिस करेंगे हर एक चीज, क्योंकि देश के लिए खेलने से ऊपर कोई चीज नहीं होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, और हार जीत लगी रहती है भैया, एक टीम तो जीतने के लिए आई है। लेकिन हाँ, हमारा परफॉर्मेंस निराशाजनक था, और वही चीज हुई है बॉलिंग में, हमें शमी और बुमराह चाहिए भैया, जल्दी से आ जाए वापस, हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर चाहिए हमें, एक्स फैक्टर आता है उसकी वजह से भी, देखते क्या होता है। कल तो भाई टीम ही चेंज हो गई थी, कल पंत आ गया था और कल वो आ गया था, अरे कौन आ गया था, वो एक पंत था, नहीं पंत को लेके आए थे ये, और अर्शदीप को बिठा के एक और प्लेयर खिलाया था हमने। लेकिन मुझे ये लगता है कि ठीक है, इसको हमें बहुत ज्यादा वो नहीं कहना चाहिए, हाँ क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि हम खेले, लेकिन इसमें ये नहीं हो भाई बेकार टीम है हमारी, नहीं प्लेयर वही है जो अच्छा करते हैं, बस ये कि हमें आईपीएल की आदत पड़ गई ना बढ़िया विकेटों की। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि 50 ओवर तो अब भूल जाओ भैया, फरवरी में होगा, और तब तक फिर कैसे आप जज करोगे, टीम तो आपको अनाउंस ही करनी पड़ जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, या इंडिया कहता है भैया देख पैसा हमारे पास बहुत ज्यादा, हम तो पहले खेलेंगे सीरीज, उसके बाद अनाउंस करेंगे अपनी टीम, देखते क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर।